दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको तीन ऐसी चीज़ें बताने वाला हूं जिनकी वजह से आपका पैकेज जल्दी ख़त्म हो जाता है, और अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो आपका इंटरनेट पैकेज पूरा टाइम चलेगा। अगर आपका मतलब पैकेज एक हफ्ते वाला है वो 5 दिनों में या 4 दिनों में या 2 दिनों में ख़त्म हो जाए तो इंशाल्लाह वो पूरा हफ्ता चलेगा। तो दोस्तों जो मेरे भाई चैनल पर नए हैं उन्होंने अभी तक चैनल टॉप फॉर यू को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो इस वीडियो के नीचे एक रेड सब्सक्राइब बटन है उस पर दबा लें, और जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे आगे एक छोटा सा बेल का निशान घंटी का निशान बन जाएगा उस पर भी दबा लें ताकि इस तरह की वीडियो आपको आगे भी मिलती रहें। कि आप देखते हैं कि मैं पैकेज लगाता हूं आप लगाते हैं, हम लोग जब कोई पैकेज लगाते हैं तो क्या होता है कि हमारा पैकेज जल्दी ख़त्म हो जाता है। उसकी दोस्तों सबसे मेन रीज़न होती है आपकी सेटिंग में, मैं आपको दिखाता हूं। यहां से आपने क्या करना है, अपनी सेटिंग ओपन करनी है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक सामने डाटा नेटवर्क्स का ऑप्शन नज़र आ रहा है नंबर 3 पर, तो दोस्तों हम इसे ओपन कर लेते हैं। सही है, अब यहाँ पर आकर दोस्तों आप देखते हैं कि यहाँ पर आप मतलब देख भी सकते हैं कि कौन सी चीज़ आपका सबसे ज़्यादा डाटा खा रही है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपने साइड वाले बटन पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आता है रिस्ट्रिक्ट बैकग्राउंड डाटा, सही है, आपने इस पर क्लिक कर देना है और इसको ओके कर देना है। सही है, इससे दोस्तों क्या होता है कि जब आप मतलब आपकी वाईफाई कनेक्ट होती है मतलब तो आपका जो बैकग्राउंड डाटा है मतलब जो पीछे डाटा लगता रहता है या आपका कुछ ऐप डाटा खाते रहते हैं वो मतलब नहीं होगा। इससे दोस्तों आप काफ़ी हद तक अपना डाटा बचा सकते हैं और इसका दोस्तों बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होता है। आप बेशक ये एक बार डाटा नेटवर्क्स का ऑप्शन मतलब रिस्ट्रिक्ट बैकग्राउंड डाटा वाला ऑप्शन आप ऑन करें और फिर आप देखें कि मतलब इंटरनेट पर क्या फ़र्क पड़ता है। उसके अलावा दोस्तों एक प्ले स्टोर में एक चीज़ होती है वो हम सब ने ऑन रखी हुई होती है, उससे भी आप मतलब कर सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर हम सेटिंग में चलते हैं प्ले स्टोर की और चलें, ये अभी हमारा नेट कनेक्ट चलें हो गए, तो यहाँ से हम सेटिंग में चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है मतलब आपका ये होता है मैन्युअली, सही है, आप मतलब अगर देखते हैं तो यहाँ पर आपका ऑप्शन होता है ऑटो अपडेट ऐप्स एनी टाइम डाटा चार्जेस में अप्लाई, या आपका ये लगा हुआ होता है, सही है, कि सिर्फ वाईफाई पे आपके अपडेट होंगे और नहीं होंगे। आप क्या करें इसे यहाँ से कर दें डू नॉट ऑटो अपडेट ऐप्स, जो फर्स्ट वाला आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है आप इस पर क्लिक कर दें, सही है, इससे भी आपका डाटा काफ़ी हद तक बचेगा। लेकिन दोस्तों ये दोनों काम करने के बाद भी आपका कुछ ना कुछ डाटा ज़ाया होगा, वो दोस्तों कौन से ऐप ज़ाया करते हैं, जैसे हो गया ज़ेपिया हो गया, उसके अलावा 9 ऐप्स हो गया। ज़ेपिया अब हम ओपन करते हैं, अगर हमने वहाँ से ऑफ भी कर दिया है तो ज़ेपिया ऑटोमेटिकली डाउनलोड करता रहता है, ज़ेपिया हो गया 9 ऐप एप्लीकेशन है जो खुद ही डाउनलोड कर दी जाती है। उससे बेहतर है कि आप ज़ेपिया के मुतबादल कोई और ऐप यूज़ करें, लेकिन अगर आप यही ऐप यूज़ करना चाहते हैं मतलब आपने ये रखा हुआ है तो यहाँ आप नीचे मी का आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है नीचे आप देख सकते हैं, इस पर क्लिक करें और उसके बाद यहाँ आपको ऊपर ये सेटिंग का ऑप्शन नज़र आ रहा है सेटिंग में चले जाएं। उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है मोर सेटिंग में जाना है, उसके बाद जनरल में आप चले जाएं, सही है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपको नज़र आ रहा है आपका ये, यहाँ पर आपको ये सामने सारे ऑप्शन ऑफ किए हुए हैं, आपने भी क्या करना है सिंपली मतलब इस तरह ऑन है अगर आपके तो आप इसे सिंपली ऑफ कर दें, तो इससे भी क्या है आप काफ़ी हद तक अपने डाटा को बचा सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये तीनों चीज़ें आपने कर ली अपने मोबाइल में तो मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि आपका मतलब जो डाटा है वो इंशाल्लाह मतलब बचेगा और आप मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इसको यूज़ कर सकेंगे, इंटरनेट से पूरा फायदा उठा सकेंगे और आपका इंटरनेट फालतू ज़ाया नहीं होगा। तो दोस्तों अगर यार वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल टॉप फॉर यू को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि इस तरह की वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। तो इंशाल्लाह दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।